तीन चार साल बाद फिर से मैं अपने आपके विद्यार्थियों के साथ वही जो ताल यात्रा शुरू हुई थी अब ताल मंथन में इंक्लूड हुई है। तो पिछले तीन चार सालों में हमने क्या नया नया इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि हर बार ये कार्यक्रम यदि अभी एक सप्ताह बाद होगा तो निश्चित रूप से उसमें फिर परिवर्तन होगा लिखेगा। और इसका उद्देश्य यही था कि पारंपरिक जो बंदिशें हैं वो जो पारंपरिक बंदिशें हैं उसकी तरफ विद्यार्थियों का रुझान बढ़े और मैंने अपने जीवन में जिन जिन महान तबला वादकों को से मैं प्रभावित रहा तो उनकी जो खास खास विशेषताएं जो थी जो मैंने आत्मसात करने की कोशिश की है वो मैंने अपने विद्यार्थियों को भी सिखाने का प्रयत्न किया है। जैसे पंडित केशव महाराज की उठान तो जितना हम डाइजेस्ट कर सकते थे, अलग खान साहब का दम चक्करदारों में दम वो किस ढंग से देते हैं, लक्ष्मण महाराज जी का उठान, शारदा साहेब जी का उठान, पंडित और बड़े बड़े महान कलाकार हुए हैं। और ये जो सांगीतिक प्रस्तुति है ये मैंने मेरे गुरु जी से सीखी है कि किस तरह से तबला वादन को सांगीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहिए। तो मेरे गुरु पंडित सुरेश तबलकर जी से जो संगीत के संस्कार मुझे मिले वो जितना मैं डाइजेस्ट कर पाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वो बहु वैसे ही प्रस्तुत करता हूँ। और ये संकाय से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है, संकाय में ही नहीं बाहर भी, संगीता पंडित जी हो चाहे अमित चंचल जी हो, इन लोगों ने इस प्रोग्राम को काफी अवसर दिलाए। तो ये यात्रा बढ़ती गई और हम लोग रियाज करते गए और इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कोशिश है कुछ पारंपरिक रचनाओं का और कुछ आधुनिक, जो वर्तमान में तिहाइयों का स्वरूप कैसा चल रहा है, पारंपरिक बंदिशों में के प्रस्तुतिकरण में वर्तमान में क्या बदलाव आए हैं। आप सब लोग विद्वान हैं और विद्यार्थी लोगों के लिए भी एक है कि किस तरह की चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए, कितना रियाज करना चाहिए, एक प्रयत्न है आप सब लोगों का। मैं विद्यार्थियों के लिए बजा रहा हूँ और आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप सब इन सब लोगों का आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग कुछ और अच्छा कर सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमेशा वोकल डिपार्टमेंट से मुझे बहुत समृद्धशाली अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी मुझे मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट में भी प्रहलाद जी जो हैं हमारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी तैयार किए हैं कि उससे मैं और हम ये जो सांगीतिक प्रस्तुति है ये और मजबूत होती है। तो मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज देखिए एक और प्रतिभा है जो हमारे संकाय के नहीं है लेकिन बहुत अच्छी प्रतिभा है हारमोनियम की, और वो आज पहली बार हमारे मंच से प्रस्तुत करेंगे। आप रामचंद्र जी से सीख रहे हैं तो आप सब लोग आशीर्वाद लेंगे।
बहुत प्रचलित हुई है, बहुत प्राचीन समय से। तो कुछ लाहौरी और पंजाबी गाने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। Thank you.
वेलकम चक्करदार। Take it, 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 take it